लेकिन आज मैं आपको इस कहानी का नाम नहीं बताऊंगा, और उसका कारण क्या है ये आपको एंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बहुत पुरानी बात है और बहुत नई भी। एक काले रंग का शहर था जो रात को जल्दी सो जाता था और सुबह मुंह अंधेरे उठ जाता था। मुंह अंधेरे यानि उजाला होने के पहले। उसमें एक लड़का रहता था और एक लड़की भी। लड़की सांवली सी थी और चंचल भी। बचपन में अक्सर सभी चंचल होते हैं, मगर लड़का नहीं था। लड़का बहुत सोचता था, बहुत गंभीर रहता था। उसे तो पता भी नहीं चला कि उसके स्कूल में पढ़ने वाली उसकी हम उम्र एक लड़की उसे देखने के लिए दिन भर बहाने ढूंढती है और उसी के बारे में सोचती है। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था और बोलने में भी। लड़की चंचल थी लेकिन बोलती कम थी। लड़के के मन में स्त्री जाति के प्रति दुराग्रह सा था। और भी कम उम्र में दो तीन बार लड़कियों के साथ खेल खेल में हुए झगड़े ही इसलिए उत्तरदायी थे, या कोई जन्मजात भावना इसके पीछे थी, ये कोई नहीं जानता था। दुराग्रह का कम न होने का एक कारण ये भी था कि उसने होश संभालते ही स्वयं को लड़कियों से दूर रखना शुरू कर दिया था। तो लड़की को उसका दुराग्रह, कटा कटा रहना और गंभीर रहना ही अच्छा लगने लगा। लड़का तो अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ यानी मूर्ख। तो लड़का तो अनभिज्ञ था, सो एक दिन लड़की ने ही बात का आरंभ करना चाहा। वो लड़के की तरह बोलने में चतुर नहीं थी, इसलिए कई दिन तक तय नहीं कर पाई कि क्या बोले। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो दोनों छठी कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद लड़का जब अपने दोस्त के साथ घर के लिए निकलता था तो लड़की उसके पीछे रहती थी। 200-300 बच्चों की भीड़ में लड़की का काम और भी आसान हो जाता था। लड़की का घर पहले आता था, स्कूल से करीब 100 मीटर दूर। उस बीच में लड़की लड़के की पीठ पर टांगे बस्ते पर चौक से टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बना दिया करती थी और फिर मुस्कुराकर अपनी गली की ओर मुड़ जाती थी। लड़का रोज शाम को घर पहुंचकर अपने बस्ते पर बनी सफेद रेखाएं देखता और उन्हें साफ करते हुए अपराधी का अनुमान लगाने का प्रयास करता। उसके शक की उंगली कई लड़कों पर जाती, लेकिन किसी लड़की पर कभी नहीं गई। एक सप्ताह तक लड़की भीड़ का फायदा उठाती रही और लड़का अपराधी को नहीं पहचान सका। सोमवार को उसे एक तरीका सूझा। उसने अपने दोस्त को कहा, पीछे कुछ दूरी पर खड़े रहने को और अपनी तरफ देखते रहने को कहा। लड़की चंचल थी मगर चतुर नहीं थी। उसके दोस्त ने उसे पहचान लिया। पता चलते ही लड़के के मन में दुराग्रह और मजबूत हो गया और उसने बदला लेने की ठानी। अब छुट्टी के समय वो और उसका दोस्त सबसे अंत में स्कूल से निकलते और लड़की के पीछे रहते। मौका देखकर लड़का लड़की के बस्ते पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देता। लड़की द्वारा बनी गई रेखाएं और आकृतियां मधुरता लिए होती थी, जबकि लड़के द्वारा खींची रेखाएं बहुत कठोर होती थी। लेकिन लड़का प्रतिशोध नहीं ले पाया। अब लड़की जानबूझकर उससे आगे रहती थी और अपनी गली आने पर मुस्कुराकर मुड़ जाती थी। अगली सुबह जब वो कक्षा में आती तो बस्ते पर वो आड़ी तिरछी रेखाएं बनी रहती थी। उसने उन्हें एक दिन भी साफ नहीं किया। घर जाकर सबसे पहले अपना बस्ता उतारती और उसे दौड़कर छत पर ले जाती। वहां कोई नहीं होता था। फिर बस्ते को सामने रखती और उसे तब तक देखती रहती जब तक कि कोई उसे बुलाने ना आ जाता। 5 दिन तक जब लड़की के बस्ते पर बनी रेखाएं और गली में मुड़ते समय की उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई तो लड़के ने रेखाएं खींचना बंद कर दिया। उसका प्रतिशोध का भाव खो गया था
और अब उसके मन में लड़की की मुस्कान का राज जानने की जिज्ञासा पनपने लगी। शनिवार की शाम को वो इसी उलझन में घर लौटा और लड़की मुस्कुराती हुई लौटी इस बात से अनजान कि आज उसके बस्ते पर लड़के की उंगलियां नहीं थिरकी थी। लड़की पीठ से बस्ता उतारकर दौड़ती दौड़ती छत पर गई और एक कोने में आराम से बैठकर बस्ता सामने रखा। उसे देखते ही उसका चेहरा उतरस आ गया। उसने घुमा फिराकर पूरा बस्ता देखा, चौक का एक भी नया निशान नहीं था। वो मुंह लटकाए बैठी रही और सोचती रही। वो लड़के जितनी गंभीर हो गई थी। थोड़ी देर बाद मां ने आवाज दी, दूध पी ले। वो वहीं बैठी रही। 5 मिनट बाद फिर मां ने आवाज दी, अरे आजा दूध पी ले। वो नहीं हिली। अब उसकी मां ऊपर आई और उसके हाथ पकड़कर नीचे ले गई। उस रात को लड़की को सबसे अंत में नींद आई। बिस्तर पर अपनी मां की बगल में लेटी लेटी जाने क्या सोचती रही। लड़का भी अपने घर में सबसे अंत में सोया। वो सोचता रहा कि लड़की की खुशी और चंचलता रोज बढ़ती ही क्यों जा रही थी। स्त्री जाति के लिए जो भाव उसके मन में पहले से थे वो इसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। जब वो सोया तो उसके मन में लड़की के लिए एक मधुर सा कोना बनने लगा था जो सुबह तक और बड़ा हो गया था। लड़का अगले दिन किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाया तो उदास लड़की की नजरें पूरा दिन उसे खोजती रही। आधी छुट्टी में उसका टिफिन भी नहीं खुला और वो सब लड़कियों से दूर एकांत में बैठी रही। शाम को स्कूल से लौटते हुए जब वो अपनी गली में मुड़ी तो उसके चेहरे पर हर दिन वाली मुस्कान नहीं थी। आज खाना क्यों नहीं खाया, उसकी मां ने पूछा। वो उस दिन दौड़कर छत पर भी नहीं गई थी। मां के प्रश्न का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना, मां ने लाड से उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। वो चुप रही। उसका मन किया कि जोर जोर से रोने लगे मगर वो रोई नहीं। वो रोई तब जब मां के लाख मनाने पर भी उसने रात का खाना नहीं खाया और मां ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा। शायद मैं रोने का बहाना ढूंढ रही थी, लड़की अपनी मां की बगल में लेटी लेटी सोचती रही। उस एक दिन में लड़के के मन की जिज्ञासा भी बढ़ गई और उस मधुर कोने का आकार भी। वो अगले दिन स्कूल गया तो रास्ते भर लड़की के बारे में सोचता रहा। लड़की गुमसुम हुई अपनी सीट पर बैठी थी। लड़के ने पीछे से जाकर उसका कंधा थपथपाया, तू उदास क्यों है? वो बातें बनाने में वाकई होशियार था। लड़की ने पलटकर उसे अपने पीछे खड़ा देखा तो एकदम सी आंखें मुस्कुराने लगी। वो बोली नहीं, मैं तेरे बस्ते पर चौक लगाता था। उसने लड़की के बस्ते पर बनी हुई सफेद रेखाओं की ओर इशारा करते हुए कहा। क्यों? लड़की भी वाकई चंचल थी, हालांकि बोलती कम थी। अब उसकी आंखों की मुस्कान चेहरे पर भी आ गई थी। क्योंकि पहले तू चलाती थी। उसकी बात सुनकर लड़की खिलखिलाकर हंस दी। लड़के को भी उसका हंसना अच्छा लगा। उसके चेहरे पर भी एक गर्वीली मुस्कान आ गई थी। आज आधी छुट्टी में मेरे साथ खाना खाएगी? लड़की ने तुरंत स्वीकृति से गर्दन हिला दी। खाना खाते हुए लड़की को लगा कि लड़का उतना भी गंभीर नहीं है जितना दिखता है। लड़की उसकी हर बात पर मुस्कुराती रही। 10 दिन बाद लड़के ने रात में एक सपना देखा। वो एक पेड़ के पास लड़की के साथ बैठा था और बाकी सपना वो समझ नहीं पाया। सुबह उठा तो उसे लगा इतना प्यारा सपना उसने पहले कभी नहीं देखा था। कल रात मैंने सपने में तुझे देखा, अगले दिन वो आधी छुट्टी में लड़की को बताता रहा।
लड़की फिर मुस्कुराने लगी। मेरा मन करता है मैं सारे दिन तेरे साथ ही बैठी रहूं। मेरा भी, आधी छुट्टी खत्म होने से पहले ही वो दोनों स्कूल के पीछे के मैदान में आकर एक पेड़ के पीछे छुप गए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। तू फिल्म देखती है? थोड़ी देर बाद लड़के ने पूछा। तब तक कक्षाएं शुरू हो गई थी। हाँ, लड़की के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई थी। उसमें जैसा होता है ना, वो लड़का कुछ सोचकर रुक गया। क्या होता है? लड़की के स्वर में आत्मीयता थी और जिज्ञासा भी। लड़का कुछ क्षण वैसे ही खड़ा रहा, फिर अप्रत्याशित ढंग से उसने लड़की का गाल चूम लिया था। बिल्कुल बाल सुलभ चुंबन था वो, जो केवल बच्चों के कोष में ही होता है, बहुत निर्मल और प्यारा सा। लड़की इससे घबराकर एकदम से दो कदम पीछे हट गई और स्तब्ध सी होकर लड़के को देखती रही। इस प्रतिक्रिया से लड़के के मन में अपराध बोध सा आ गया और उसके चेहरे की मुस्कान चली गई। लड़की ठिठक कर वहीं खड़ी रही और उसे एक अपरिचित की तरह देखती रही। तू बहुत गंदा है। लड़का नहीं समझ पाया कि उसके शब्दों में घृणा थी या कुछ और था। लड़की की आंखें भराई थी, लड़का कुछ न कह सका, उसे देखता रहा। तू सच में बहुत गंदा है, लड़की ने फिर कहा और दौड़ती हुई क्लास की तरफ चली गई। लड़के ने दूर से देखा तो वो दौड़ते दौड़ते एक हाथ से अपने आंसू भी पोंछ रही थी। दोपहर भर लड़का उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को अपराधी की तरह कोसता रहा। रात को अपनी मां के साथ बिस्तर पर लेटी हुई लड़की ने मां से पूछा, मम्मी गंदे बच्चे अच्छे नहीं होते? उसकी मां हंस दी, बेटा जो गंदा होता है वो अच्छा नहीं हो सकता। कोई गंदा क्यों होता है? तू सो जा। अब मां ने करवट बदल ली थी। लड़की फिर देर से सो पाई। अगले पूरे दिन बरसात होती रही, लड़की स्कूल नहीं गई। लड़का गया, लेकिन वो और दिनों की अपेक्षा अधिक गंभीर था। उसकी आंखें दिन भर लड़की को खोजती रही, लेकिन अमावस की रात में चांद ढूंढना संभव नहीं था। शाम तक उसका अपराध बोध चरम पर पहुंच गया। उसके बाद का छुट्टियों का एक हफ्ता उसके लिए एक साल की तरह बीता और उसके बाद का एक एक साल जन्मों की तरह। और लड़की के पिता का तबादला हो गया था। छुट्टियों के दौरान एक सुबह वो उदास लड़की अपने परिवार के साथ उस काले शहर को छोड़कर चली गई। कोई उम्मीद नहीं छोड़ी गई, कोई संदेश नहीं छोड़ा गया, लेकिन बेशर्म काला शहर उसके बाद भी जल्दी सो जाता और मुंह अंधेरे जग जाता था। केवल वो एक लड़का देर से सोने और जल्दी जागने लगा था। तू बहुत गंदा है। लड़का इस वाक्य को सुनने के लिए और लड़की इस वाक्य को दोहराने के लिए वर्षों तड़पती रही। लड़का काले रंग के शहर में और लड़की सफेद रंग के शहर में पेड़, स्कूल, बस्ते और गली, सबका रंग खून सा लाल हो गया था। 7 साल गुजर गए थे। लड़का काले शहर को छोड़कर हॉस्टल जा रहा था। ट्रेन के उस डिब्बे में कम ही लोग थे। लड़का चुप बैठा रहा, उस ट्रेन से बहुत दूर कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें अब धुंधली सी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे हर समय आंसू तैरते रहते हो। अचानक उसे कुछ याद आया। अपनी सीट के नीचे रखा अपना बैग उसने बाहर निकाला और उसे खोलकर एक
छोटा सा स्कूल बैग बाहर निकाल लिया। बैग पुराना पड़ चुका था और उस पर सफेद रेखाओं के कुछ फीके से निशान थे। लड़का उसे हाथ में लेकर देखता रहा। कोई भाव उसके गंभीर चेहरे से बाहर नहीं आया। आंखें कुछ ज्यादा धुंधली लगने लगी थी। कुछ क्षण बाद जैसे ही उस स्कूल के बैग को फिर से बैग में रखने लगा, एक मीठी सी आवाज कानों में पड़ी, तुम गंदे हो। काले शहर में एकदम से बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। एक स्कूल के मैदान में खड़ा एक पेड़ तेज हवा में उड़ने को तैयार था। एक गली का मोड़ तेजी से दौड़ने लगा था। रद्दी की दुकान पर पड़ा हुआ एक टिफिन बॉक्स लुढ़कता हुआ दूसरे से जा टकराया था। एक मकान की छत अपने आसमान से कुछ कह रही थी। लड़के ने चेहरा उठाकर देखा, सामने एक लड़की बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके होठों के साथ मुस्कुरा रही थी। क्या तुम बहुत गंदे हो? उसकी मुस्कान बढ़ गई थी। लड़का कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यदि वो बोला तो अपनी बात कहने के लिए उसे हजारों शब्द एक साथ बोलने पड़ेंगे। उसका चेहरा अब उतना गंभीर नहीं लग रहा था, ना ही आंखें उतनी धुंधली लग रही थी। तुम अभी उतना कम बोलते हो? लड़के की आंखों से अश्रु धार बह निकली। लड़की के पास बैठा एक 8-9 साल का बच्चा लड़के को घूर घूर कर देखता रहा। फिर उसने प्रश्नात्मक दृष्टि लड़की पर डाली। लड़की की बड़ी बड़ी आंखें अपनी जगह पर नहीं थी। वो अपने चेहरे से छूटकर आसमान में कुछ ढूंढ रही थी। कहां थी तुम? लड़का बहुत कोशिश करके बोल पाया। लड़की अपने पास बैठे बच्चे को लक्ष्य करके बोली, अभी एक बहुत बड़ा मंदिर आएगा, तू डिब्बे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जा, उसके आगे हाथ जोड़कर जो भी मांग लो मिल जाता है। बच्चा कुछ न समझ पाने की मुद्रा में उसे देखता रहा और फिर धीरे से उठकर चल दिया। जाते जाते उसने आंसुओं से भीगे चेहरे वाले लड़के की ओर भी देखा था। कहां थी तुम? लड़का बेचैनी से बोला। इसी दुनिया में थी। वो बाहर देखने लगी थी। कोई ऐसे चला जाता है क्या बिना कोई आस छोड़े? हाँ, जानती हो, लड़का कहता कहता रुक गया। काले शहर में बारिश थमने लगी। पेड़ ने अनिश्चित भविष्य के डर से अपने पंख सिकोड़ लिए थे। गली के मोड़ के कदम पीछे हटने लगे थे। रद्दी की दुकान का शटर अपने आप ही बंद होने लगा था। आसमान से एक बूंद मकान की छत पर टपकी। लड़की अपनी खुली हथेली और उसमें खारे आंसू की बूंद को देखती रही और फिर हथेली उठाकर होठों से लगाकर पी गई। उसकी आंखें उसके चेहरे पर लौट आई थी और उस दृश्य को कैद करने के लिए बंद हो गई थी। जानती हो, मैं कितने महीने तक शाम को लौटते समय पीछे मुड़ के नहीं देखता था कि तुम आओ और बेफिक्र होकर चौक चला सको। जानते हो, मैंने अपने घर में वैसा ही एक नीम का पेड़ लगाया था। सोचती थी किसी दिन जब मैं घर लौटूंगी तुम उसके नीचे वैसे ही खड़े मिलोगे। अंत तक आते आते लड़की ने जोर से आंख मीच ली थी। कहां जा रही हो अब? लड़की ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तुम कहां जा रहे हो? हॉस्टल। लड़की चुप होकर बाहर की ओर देखती रही। कहां जा रही हो तुम? इस बार लड़के के स्वर में बेबसी आ गई थी।
क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊं? लड़की अब उसकी ओर देखती हुई बोली, पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बारिश थमने पर उड़ी और गीले पंखों के कारण वहीं गिर पड़ी। उसे फर्क पड़ता है जो 7 साल तक इस आग में जलता रहा कि तुम उसकी एक छोटी सी गलती के कारण बिना कुछ बोले चली गई थी। तुम्हें अब तक याद है? भूल जाता तो अब रो रहा होता, आंसुओं से भरा चेहरा हंस कर बोला, मैं नादान था तब। मैं भी, कहकर लड़की उसके पास आकर बैठ गई। वो मेरा छोटा भाई है, लड़की ने डिब्बे के दरवाजे पर खड़े बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। बच्चा उस मंदिर की राह देख रहा था जो कभी बना ही नहीं था। तुम अब और भी सुंदर हो गई हो, तुम्हारी आंखें अब और भी उदास लगने लगी है, ऐसा लगता है जैसे सालों से जाग रहे हो। दो आंखें दो आंखों से जा मिली थी, इतना पढ़ने लगे हो क्या? कहकर खिड़की की तरफ वाली दो आंखें दूसरी दो आंखों से छूट गई और उत्तर की प्रतीक्षा में बाहर के भागते मैदानों में भटकने लगी। नहीं, पढ़ाई में फिर मन नहीं लगा। अब सबने कहा कि किसी और शहर में चला जा, घर वालों ने हॉस्टल में भेज दिया। कहते कहते लड़के को काला शहर याद आया। बारिश के दिनों में वहां की गलियां गलियों में अब भी घुटनों तक पानी भर जाता है? उस प्रश्न के लिए लड़की की आंखों में वही पुरानी चंचलता लौट आई थी। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई वहां पर, ऐसा लगता है कि तुम बहुत दिनों से बहुत अकेले हो, लड़की की आवाज में बेचैनी सी आ गई थी। मुझे भी लगता है। घर पर सब कैसे हैं? घर पर सब अच्छे हैं और मैं अकेला। मैं अकेला क्यों? खिड़की से दूर वाली दो आंखों में बच्चों सी मासूम जिज्ञासा थी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, उसके हाथ पर अपना एक हाथ धीरे से रख दिया और उसकी बेचैनी को पढ़ने की कोशिश करती रही। कहाँ जा रही हो तुम? बेचैनी पढ़े जाने की सीमा में नहीं थी। तुम किसी को ढूंढ लो अपना साथ देने के लिए। कहाँ जा रही हो? तुम आओगे? लड़का कुछ नहीं बोला। लड़की की हथेली थोड़ा दूर होने लगी तो लड़के ने उसे फिर थाम लिया। हमें मिलना होगा तो इसी तरह मिल जाएंगे, और नहीं मिलना होगा तो मैं उस मंदिर से कोई उम्मीद नहीं रखता, लड़के ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। मेरा विश्वास है भगवान में। लड़की की हथेली का दबाव विश्वास से बढ़ गया था। ट्रेन रुक गई, बच्चा दौड़ा दौड़ा आया। चलो दीदी, उतरना है। लड़की ने हाथ अलग किया, एक गहरी सांस ली और विश्वास की डोर थामकर अपने भाई के साथ उतर गई। ट्रेन चलने को थी, लड़के ने बैग उठाया और सफेद शहर के उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर उतर गया। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, पूरा आसमान एक घर की छत पर उतर आया था। तो दोस्तों, किस्सा कुछ ऐसा है कि ये जो कहानी है ये इतनी की इतनी और आगे बची है, तो मैंने सोचा पूरी एक साथ बोलने के बजाय इसको यहीं पे रोकता हूँ और बची हुई आधी कहानी आपको कल बताऊंगा मैं रात को 11 बजे।